आज के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट हुआ है। जारी देश के किन किन राज्यों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हो गया हालात। देश के किन किन राज्यों में पड़ेगा तापमान, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में 18 अगस्त तक भारी बारिश की है भविष्यवाणी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को कहा है कि पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी बंगाल में रविवार यानी आज भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में छिटपुट बारिश जारी रहने की संभावना है। एक दो स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3-4 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में छिटपुट से काफी व्यापक वर्षा होने की संभावना है। वही 14 अगस्त को पूरे क्षेत्र में यहाँ पर, 15 अगस्त को उत्तराखंड में भारी बारिश यहाँ पर होगी। वही 14 अगस्त को कुछ इलाकों में बारिश यहाँ पर हुई थी। वही मौसम विभाग ने कहा है कि देश में वर्तमान में जारी कमजोर वर्षा की गतिविधि अगले 5 दिन तक जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि हालांकि पूर्वोत्तर और पूर्व भारत और उत्तर प्रदेश के हिस्सों में और बिहार में अत्यधिक बारिश की स्थिति यहाँ पर आज तक यहाँ पर जारी रहने की संभावना है, फिर इसमें बाद में थोड़ी यहाँ पर कमी आएगी। वह मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, मध्य भारत और महाराष्ट्र, गुजरात और प्रायद्वीपीय भारत, जिसमें यहाँ पर तमिलनाडु और केरल से बाहर अधिकतर हिस्सों में आज यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। वही IMD ने कहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में 16 अगस्त से वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि होगी। वही अगले 5 दिनों में तमिलनाडु और केरल में छिटपुट से लेकर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। वही तमिलनाडु में मौसम विभाग ने यहाँ पर अलर्ट यहाँ पर जारी किया है, यानी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश यहाँ पर हो सकती है। वही मौसम विभाग के मुताबिक देश भर में मानसून में मौजूदा यहाँ पर कमजोरी के अगले 5 दिन यानी यहाँ पर ये मतलब मौसम में आप मतलब 18 तारीख तक यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश यहाँ पर इलाकों में हो सकती है। वही मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार देश में 1 जून से 10 अगस्त तक सामान्य से 5% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि असम, मेघालय में आज और कल कुछ इलाकों में हल्की बारिश तो कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। वही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और गंगाखी से लगे इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हो सकती है। वही पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अगले 5 दिनों तक छिटपुट से लेकर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। अब बात करते हैं राज्य भर मौसम विभाग के विस्तार पूर्वक समाचारों की। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान राज्य के मौसम समाचारों की, तो राजस्थान में 18 अगस्त को भारी बारिश की है चेतावनी। राजस्थान में दूसरे दौर की बारिश का इंतजार 18 अगस्त को खत्म होने जा रहा है। उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में 18 अगस्त को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वही कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की चेतावनी दी गई है। इधर कोटा संभाग में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। वही मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी राजस्थान में मानसून को लेकर किसी प्रकार की कोई चेतावनी नहीं दी गई है। वही मौसम विभाग केंद्र के निदेशक RS शर्मा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में 17 और 18 अगस्त के बीच कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, जिसका असर राजस्थान के उदयपुर संभाग के डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले में ज्यादा दिखाई देगा। इसके अलावा राजसमंद और चित्तौड़गढ़ पर भी दिखाई देगा। वही दोनों और चारों यहाँ पर जिलों में 17 mm तक बारिश यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर प्रतापगढ़ और डूंगरपुर और कोटा बारा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ में दो स्थानों पर हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर तेज बारिश यहाँ पर दर्ज की जा सकती है। वही RS शर्मा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव का क्षेत्र का असर 20 अगस्त से दिखाई यहाँ पर देगा। इससे पहले दक्षिणी राजस्थान के 2 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इसके तहत येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। कम दबाव का क्षेत्र का असर 22 अगस्त से पूर्वी राजस्थान के अधिकतर स्थानों पर दिखाई देगा, जिसके चलते भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, यानी संभावना जताई जा रही है। वही मौसम विभाग की माने तो राजस्थान में दूसरे दौर की बारिश से पहले तापमान में बदलाव दिखाई देगा। अधिकतम तापमान की बात करें तो 16 से 20 अगस्त के बीच 34 डिग्री रहने की संभावना है। इसी प्रकार न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री के बीच रह सकता है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो गंगानगर में 40.7 डिग्री तापमान प्रदेश में सबसे यहां पर ज्यादा रहा है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के मौसम समाचारों की, तो मध्य प्रदेश के रीवा और शहडोल संभाग में आज रविवार को बौछारें पड़ने की है संभावना। मध्य प्रदेश में अभी किसी भी वेदर सिस्टम के सक्रिय नहीं रहने से बारिश का क्रम लगभग थम गया है। वही मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक वर्तमान में बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी मध्य में हवा का ऊपरी चक्रवात यहाँ पर बन रहा है। इसके साथ ही मानसून ट्रिप का पूर्वी छोर भी बंगाल की खाड़ी में, इसके प्रभाव से आज रविवार को पूर्वी मध्य प्रदेश के रीवा शहडोल संभागों के जिलों में बारिश की गतिविधियां शुरू होने के आसार है। वही 4 दिन बाद भोपाल और जबलपुर और होशंगाबाद दो सभा के जिलों में बारिश का दौर शुरू हो सकता है। इससे पहले राजधानी के मौसम यहां पर जो है वो यहां पर शुष्क रहेगा। इधर अरब सागर से आ रही नमी के कारण आज यहां पर रविवार को भोपाल, इंदौर में शाम के वक्त कहीं कहीं बौछारें पड़ सकती है। वही मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान
धार में 1.2 इंच दूर में 0.2 mm बारिश हुई है। वही राजधानी में अधिकतम तापमान कल यहाँ पर 32 डिग्री यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। वही यहाँ पर परसों यहाँ पर 31 डिग्री के आसपास यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। वही मौसम विभाग ने इससे पहले यहाँ पर कहा कि अब आने वाले दिनों में यहाँ पर 2-3 दिन तक मौसम शुष्क रहेगा। वही इससे अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। वही शाह के मुताबिक पश्चिम बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात के कारण 18 अगस्त से कम दबाव का क्षेत्र यहाँ पर जो कम दबाव का क्षेत्र है वो यहाँ पर उसमें तब्दील होकर आगे बढ़ने की संभावना है। इसके प्रभाव से दक्षिणी मध्य प्रदेश के जबलपुर, भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर संभागों के जिलों में बारिश होने की संभावना, यानी हल्की तो कुछ इलाकों में तेज बारिश के आसार यहां पर मौसम विभाग की ओर से जताए गए हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के मौसम समाचारों की। तो लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में बादलों की लुका छुपी से उमस है बड़ी। आज कुछ जिलों में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की है संभावना। उत्तर प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ने लगा, इसका असर बीते 24 घंटों में यहां पर दिखना शुरू हो गया है। वहीं प्रदेश भर में औसतन तापमान में यहां पर मतलब प्रदेश में औसतन बारिश यहां पर 9 एमएम यहां पर हुई है, जो कि सामान्य वर्षा से 10.3 एमएम का 87% है। वहीं लखनऊ समेत 31 जिलों में उमस बढ़ने लगी है। अब तक प्रदेश में 1 जून से यहाँ पर आज तक 473.6 mm बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है, जो कि सामान्य से यहाँ पर सामान्य 473 mm का औसत 100% है। वैसे प्रदेश के 12 जनपद से जहाँ पर 25 mm या उससे अधिक वर्षा हुई है। फिलहाल मौसम विभाग ने आज प्रदेश के उन जिलों में बारिश के आसार जताए हैं। वही आज जिन जिलों में बारिश होगी उनके जिलों की बात करें तो आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक जेपी गुप्ता के मुताबिक आज यहाँ पर बदायूं, फरुखाबाद, एटा, कासगंज, शाहजहापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी और श्रीबस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीरनगर, गोरखपुर, कुशीनगर और देवरी जिले में बिजली चमकने के साथ साथ बरसात होने के आसार यहाँ पर जताए गए हैं। वही पिछले 24 घंटों की बारिश की बात करें तो यहाँ पर सिद्धार्थनगर में 4.7 mm और महाराजगंज में 69 और संत कबीरनगर में 68 और गोरखपुर में 64.3 और माऊ में 44 यहां पर हुई है। वही मौसम विभाग के अनुसार 31 जिलों में सामान्य वर्षा का अनुमान से 80 से 120% ही बरसात यहां पर हुई है। औसत अनुमान से अधिक 12 जिले हैं जहां पर 120% अधिक बारिश यहां पर हुई है। वही इसी तरह कम वर्षा वाले जनपद वो 13 है जहां पर 60 से 80% वर्षा हुई। सबसे कम वर्षा जनपद में यहां पर सबसे कम बारिश वाले जनपद भी 12 है जहां पर 60 से कम औसत से बरसात यहां पर हुई। प्रदेश में सबसे न्यूनतम तापमान कल बहराइच में यहां पर 23 डिग्री दर्ज किया गया। सर्वाधिक तापमान का शहर आगरा रहा है, यहां 35 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं बिहार राज्य के मौसम समाचारों की। तो 39 दिन और सक्रिय रहेगा बिहार में मानसून। 6 जिलों में आज भारी बारिश की है संभावना। बिहार में समय से पहले इस बार मानसून सक्रिय होने की वजह से अब तक सामान्य से 19% अधिक बारिश बिहार राज्य के अंदर हो चुकी है। वही मौसम विभाग के अनुसार अगले 39 दिनों तक बिहार में मानसून का असर रहेगा। वही मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के दक्षिणी भागों में अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वही उत्तरी बिहार के पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और मधुबनी, दरभंगा, किशनगंज और अररिया जिलों में चेतावनी भी जारी की गई है। इन जिलों में बादल गरजने के साथ भारी बारिश की स्थिति अगले 24 घंटों के दौरान बनी रहेगी। साथ ही पूर्वी चंपारण, सुपौल और पूर्णिया में मेघगर्जन और साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की। आपको बता दें कि इस बार मानसून के दौरान बिहार में सबसे अधिक बारिश पश्चिमी चंपारण में 1465.2 mm हुई है, जबकि राज्य में सबसे कम बारिश पूर्णिया में 569.4 mm हुई है, जबकि यहाँ पर सामान्य जो बारिश का आंकड़ा है वो 919 mm है। आपको बता दें कि बिहार में इस मानसून यहाँ पर इस बार जो बिहार में मानसून है वो 13 जून को यहाँ पर आने वाला था, लेकिन 12 जून को एक दिन पहले यहाँ पर आ गया। तभी मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताए थे कि अत्यधिक बारिश बिहार में होगी और कई रिकॉर्ड टूट जाएंगे। वही मौसम विभाग ने आंकड़ा जारी करते हुए जानकारी दी है कि राज्य में 1 जून से 12 अगस्त तक 73 दिनों में 741.2 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि सामान्य बारिश से यहाँ पर 19% अधिक है। वही मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले 39 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। वही बारिश हुई तो कई सालों का रिकॉर्ड भी बिहार में टूट सकता है। वही मानसून सीजन की बात करें तो 1 जून से 30 सितंबर तक मानसून सीजन का यहाँ पर महीना माना जाता है, मानसून इसको माना जाता है। वही बिहार में 741.2 mm बारिश अब तक हुई है, जो कि सामान्य से 19% अधिक है। वही पटना में सामान्य से 5% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली और NCR के मौसम समाचारों की। तो दिल्ली वालों को 19 अगस्त तक बारिश का करना होगा इंतजार।
बंगाल की खाड़ी पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, लेकिन राजधानी दिल्ली में 19 अगस्त तक बारिश की उम्मीद नहीं है। वह जून महीने में एक और जुलाई में चार और अब अगस्त में पहला निम्न दबाव का क्षेत्र यहाँ पर विकसित हुआ है। इसके बनने से मानसून ट्रिप आगे बढ़ती है, जिससे देश के कई इलाकों में बारिश यहाँ पर होती है। वह स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता दिखाई दे रहा है। 14 अगस्त को एक गहरे ट्रिप रेखा बनने की यहां पर संभावना है, जो बांग्लादेश से ओडिशा और पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक यहां पर फैली होगी। इसके प्रभाव से आज यानी 15 अगस्त को पश्चिम बंगाल की खाड़ी और ओडिशा के तट पर चक्रवर्ती हवा का क्षेत्र बनने की उम्मीद है। यह सिस्टम तेजी से व्यवस्थित होगा, महज एक दिन में ही कम दबाव के क्षेत्र में ये बदल जाएगा। वह मानसून की ट्रफ अभी हिमालय के तलहटी के करीब है, वही चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र बनने से ये जो है वो आगे बढ़ने शुरू हो जाएगी। वही 16 से 24 अगस्त के बीच यहाँ पर पूर्वी मध्य और उत्तर भागों में मानसून की ब्रेक की जो स्थिति है वो खत्म होगी। वही 19 अगस्त तक निम्न दबाव का क्षेत्र ओडिशा और पश्चिम बंगाल और झारखंड में रहेगा। इसके बाद कुछ स्थानों पर 25 अगस्त तक दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से यहाँ पर 25 अगस्त तक ये दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की वजह यहाँ पर बनेगा। वही बात करें अब चंडीगढ़ के मौसम समाचारों की, तो गर्मी की मार झेल रहे चंडीगढ़ वासियों को कल देर रात यहाँ पर गर्मी से थोड़ी राहत मिली, यानी बारिश ने राहत दी है। वही कल देर रात तो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो सुबह तक जारी रहा। वही कुल यहाँ पर कल सुबह से ही यहाँ पर शहर के कई हिस्सों में अच्छी बारिश यहाँ पर हुई है। मौसम विभाग ने आज आसमान में बादल छाए रहने की संभावना भी जताई है, लेकिन बारिश होने के साथ ही पंजाब हरियाणा और हिमाचल में हो रही बारिश का असर चंडीगढ़ शहर में भी देखने को मिलेगा। वही दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी। वही खबर लिखे जाने तक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है, हल्की यहाँ पर गर्मी यहाँ पर है। वही कुछ इलाकों में हल्की बारिश यहाँ पर हो रही है। वही मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊपर लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। वही आज एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर आती है, एक यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ भी यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है, जो कि मानसून को सपोर्ट करेगा। इसके बाद अच्छे यहाँ पर सैंपल आने की संभावना है।